रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट पर उपद्रव मामले में अंडरग्राउंड चल रहे खान सर समेत 6 शिक्षकों की मुसीबत बढ़ सकती है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा था कि आरोपित संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। एसएसपी ने बताया कि नोटिस लेने के लिए आरोपित शिक्षकों को खुद थाने आना होगा। अगर वे निर्धारित अवधि तक थाना नहीं आते हैं तो उनके घर पर नोटिस चिपका दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आईपीसी की जिन धाराओं में शिक्षकों पर एफआईआर हुई है उसमें 7 साल से कम की सजा है। इसके तहत मौके से गिरफ्तार छात्रों को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन उनके बयान पर जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है उनकी गिरफ्तारी जांच के बाद होगी। पत्रकार नगर थाने की पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 के तहत अभियुक्त खान सर समेत 6 अन्य शिक्षकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दे रही है। शिक्षकों को न तो कोर्ट से जमानत मिली है और न ही थाने में वे नोटिस लेने पहुंचे हैं। दरअसल राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने लखीसराय के 3 और झारखंड के 1 छात्र को गिरफ्तार किया है। उनके बयान पर कोचिंग संचालक खान सर यानी फैजल खान, एसके झा, नवीन, अमरनाथ, गगन प्रताप और गोपाल वर्मा को पत्रकार नगर थानेदार मनोरंजन भारती की लिखित शिकायत पर अभियुक्त बनाया गया था। इस घटना के बाद खान सर के कोचिंग संस्थान पर ताला लटका हुआ है। सभी अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं।